दोस्तों एनसीईआरटी बुक चैनल 0.2 ये मेरा सेकंड चैनल है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अब से जो है आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं लाइक एलटी, लेक्चरर, वन दरोगा आदि जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सभी की आपकी प्रिपरेशन इस चैनल पर करवाई जाएगी और साथ में आपको यहाँ पर PDF भी प्रोवाइड की जाएगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद से आप ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लेना ताकि टाइम टू टाइम जो है आप तक नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने एनसीईआरटी बुक सेंटर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड पुलिस भर्ती के बारे में। लेटेस्ट न्यू अपडेट लेके हैं जो कि यहाँ पर 1700 पदों की जो भर्ती थी कॉन्स्टेबलों की वो आपको जल्द ही देखने को मिल सकती है। तो आज के वीडियो में क्या रखा है आप लोगों को दिखाने वाले हैं इस वीडियो में, तो लेटेस्ट न्यू अपडेट है आपको जो है यहाँ पर जल्द ही भर्ती देखने को मिल सकती है। काफ़ी अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से इस भर्ती के लिए काफ़ी वेट कर रहे थे तो फाइनली यहाँ पर जल्दी आपको यह भर्ती देखने को मिल सकती है। तो चलिए देख लेते हैं आज की लेटेस्ट न्यू अपडेट यहाँ पर क्या है उत्तराखंड पुलिस भर्ती के बारे में। तो दोस्तों देख सकते हैं आज के न्यूज़ में छापा गया आर्टिकल है, जल्द होंगे 1000 कांस्टेबलों के प्रमोशन। तो काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर कोर्ट में 1000 कांस्टेबलों की जो यहाँ पर प्रमोशन होने थे ये लटका पड़ा था। अब जो है यहाँ पर कोर्ट ने यहाँ पर आदेश दे दिया है और अब जो है इनके जो है प्रमोशन जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगे और उसके बाद से यहाँ पर 1700 जो पोस्ट हैं आपकी आने वाली वो यहाँ पर आपकी आ जाएंगी। तो लगभग जो है मार्च अप्रैल तक जो है आपको ये पोस्ट आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर जल्दी इसकी जो कांस्टेबल की जो प्रमोशन है वो 1000 पोस्ट जो बनने वाले हैं कांस्टेबल हेड कांस्टेबल तो यहाँ पर जो है वो जल्दी देखने को मिल जाएगा और उसके बाद से यहाँ पर 1700 जो कांस्टेबल है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है आप लोग देखिए। यहाँ पर प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस विभाग में करीब 1000 कांस्टेबलों के प्रमोशन का रास्ता खुल गया है। तो यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर फैसला दे दिया है कि जो 1000 कांस्टेबलों का प्रमोशन वो यहाँ पर खुल गया है और इसके बाद करीब 1700 सिपाहियों की भर्ती का रास्ता साफ हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है 1700 जो करीब है जो 1700 पुलिस भर्ती आने वाली है उसका रास्ता यहाँ पर साफ होगा और इसके अलावा इंस्पेक्टरों के 96 पदों पर भी प्रमोशन जल्द होने से दरोगा के भी पद जो हैं वो खाली हो जाएंगे ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। तो ये है इसका मतलब कि यहाँ पर दरोगा के पद खाली हो जाएंगे तो यहाँ पर जो है SI की पोस्ट भी यहाँ पर जल्द ही आपको देखने को मिल सकती है। अभी करीब 1000 कांस्टेबलों के हेड कांस्टेबल बनने में पदोन्नति में आरक्षण का मामला बाधक बना हुआ था। यहाँ पर लिखा गया है कि जो कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बन रहे थे उनके आरक्षण में यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही थी, इस वजह से यहाँ पर नहीं हो पाई जिस कारण लिखा गया है पुलिस मुख्यालय पदोन्नति नहीं कर पा रहा था, जिस कारण जो है पुलिस जो मुख्यालय था वो यहाँ पर प्रमोशन नहीं कर पा रहा था। इसी के चलते करीब 1700 सिपाहियों की भर्ती को यहाँ पर जो है नहीं हो पा रही थी ऐसा यहाँ पर लिखा गया। लेकिन अब जो है मुख्यालय जल्द प्रमोशन यहाँ पर जो प्रमोशन होने वाले से जल्द यहाँ पर कर देगा और उसके बाद जो है भर्ती भी यहाँ पर शुरू कर देगा ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। सूत्रों ने बताया कि आगामी कुंभ में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की ज़रूरत को देखते हुए जल्द ही भर्तियां जो है निकाली जाएंगी ऐसा यहां पे लिखा गया है ताकि उनकी जो है 6 माह की ट्रेनिंग के बाद आगे की यहां पे जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग के बाद से जो ड्यूटी है कुंभ के लिए वो करवाई जाए ऐसा यहां पे लिखा गया है। तो आप लोग देख सकते हैं जल्दी ही यहाँ पर 1700 पोस्ट आपको देखने को मिल सकती हैं। आज की लेटेस्ट न्यू अपडेट है पुलिस भर्ती के संबंधित में, तो जल्दी ही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी और जो प्रमोशन है वो आपको जल्दी ही मार्च अप्रैल तक यहाँ पर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।